हेलो फ्रेंड्स, आज आम जानवा डेंगू ज्वर विषय। डेंगू ज्वर हो एक इनफेक्शियस डिजीज जहाँ मशा कामुड़ा द्वारा होता है, जहाँ मशा कामुड़ पाँच रु छः दिन मध्य लक्षण देखा मिलता है, जो लक्षण गुड़िक आगामी सात रु दस दिन पर्यंत रही थाए। प्रथम तीन रु चार दिन पेशेंट को बहुत कष्ट यार उपयुक्त चिकित्सा नक डेंगू फीवर पेशेंटर जीवन नहीं था। एवं यार लक्षण विषय जानवा, एथिरे रोगी को अत्यधिक ज्वर होइथाय जहाँ 100 डिग्री फारेनहाइट रु 102 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत होइथाय। यह सहित मांसपेशी रे दरज, आंठु गंठी रे व्यथा, गला सुखी जीवा, बांती हेबा, भोक न लागिबा इत्यादि समस्या मध्य देखिबा को मिलिथाय। यार लक्षण विषय जानि सारिबा परे एबे यार चिकित्सा विषय जानिबा, जहाँ प्राथमिक स्थिति रे हाई टेम्परेचर ज्वर को ठीक करिबा पई पारासेटामोल टैबलेट को दिन को दुई थर रु तीन थर खाद्य पर दि जाए थाए। पेशेंटर नौजिया एवं भोमिटिक को ठीक करने पांटोप्राजोल डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन रो कैप्सूल को खाली पेटरे दिन को थरिए दि जाए थाए। यह सहित पेशेंट को सफिशिएंट ओआरएस दि जाए थाए, जो क्षेत्र में पेशेंटर अवस्था अधिक खराब होइथाए से क्षेत्र में आईवी फ्लूइड यथा डीएनएस एवं आरएनएस दि जाए थाए। यहपर जो पेशेंटर प्लेटलेट काउंट कम होता है से क्षेत्र में कारिपिल नामक टैबलेट दि जाए थाए। यहपर जानवा एंटीबायोटिक टैबलेट विषय, जहाँ डेंगू फीवर पर अत्यंत व्यवहूत होता है अमोक्सिसिलिन पोटासीयम क्लावोनिक एसिड कॉम्बिनेशन रो टैबलेट, जहाँ को दिन को दुई रु तीन थर व्यवहार करा जाए थाए। सहित पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट नवा निहाती दरकार। जदि पेशेंटर कंडीशन सीभीयर होता है एवं प्लेटलेट काउंट बहुत कम होता है एवं नाकरु ब्लड बाहर भली समस्या देखा मिलता है, तेज पेशेंट को निहाती रूप से हस्पिटलाइज हवा दरकार। फ्रेंड्स, यही वीडियो रे डेंगू ज्वर प्राथमिक चिकित्सार संपूर्ण विवरणी रही है। जदि वीडियोटी आपन को भल लगी तेज सब्सक्राइब लाइक शेयर करूँ।